अस्सलाम वालेकुम एसआरएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका उर्दू का 17 लेक्चर है। आप अपनी उर्दू की राइटिंग बुक निकालें और उसका पेज नंबर 21 ओपन करें। जी मदर्स, आपने यहाँ पे पेज नंबर 21 ओपन कर दिया। सबसे पहले यहाँ ऊपर आप आज की डेट मेंशन करें। आज की डेट है 23/6। आज ये बच्चों आपको नज़र आ रहे हैं, आज हमने किस हर्फ पर राइटिंग करनी है? आज हमने हर्फ राइट करना है जीम। कौन सा हर्फ राइट करना है? जीम। जीम से जूता, जीम से जहाज। मेरे साथ पढ़ें, जीम से जूता, जीम से जहाज। क्या है ये? जीम से जूता, जीम से जहाज। अब हम देखते हैं कि हमने इसको राइट किस तरीके से करना है। ये आपको जैसा कि ऊपर सिखाया गया है, आपने इसके इधर हेड पर इस तरह से पेंसिल रखनी है। पेंसिल को इस तरह से आपने थ्री फिंगर्स के साथ रखना है, बुक के ऊपर दबा के रखें। ये देखिए, एरो के निशान से मेंशन किया गया ना, ये इस तरह से इधर लेके आना है। फिर ये यहाँ से ऐसे थोड़ा सा सर्कल सा लेके आना है, सर्कल की तरह से लेके आना है और ये इसका बना देना है जीभ। और इसके बाद इसमें नुक्ता डालना है इस तरह से। ये क्या बन गया? जी। अब मैं नीचे आपको डॉट्स के ऊपर राइट करना सिखाती हूँ। और ये याद रखिएगा कि उर्दू की राइटिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होगी और इस तरह से आप उल्टी साइड से राइटिंग करना स्टार्ट नहीं करना, ठीक है बच्चों? यहाँ ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ देख के आना है इसका आपने। और राइटिंग जो है आपने हमेशा आराम आराम से करनी है डॉट्स पर, और पेंसिल को बुक के ऊपर दबा कर रखना है। ये मैंने फर्स्ट डॉट पे रखा, ये इसके इस तरह से इधर लेके गई, थोड़ा सा इस तरह से मैं राउंड शेप में लेके आई। जैसे जैसे डॉट्स जा रहे होंगे वैसे वैसे आपने राइट करना है आराम आराम से। फिर मैं ये नुक्ते पर राइटिंग करूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, बहुत बड़ा नुक्ता नहीं बनाया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। ये क्या बन गया? जी। ये फर्स्ट डॉट पर रखा, ठीक है, इसको इधर थोड़ा सा लेके गए सीधा, फिर थोड़ा सा ये मैंने इसको राउंड शेप में लेके गई। यहाँ डार्ट्स खत्म, मैंने पेंसिल को उठा लिया और फिर मैंने नुक्ते पर राइटिंग की। ये क्या बन गया? जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता, फिर से देखिए फर्स्ट डॉट पे रखा, थोड़ा सा सीधा, फिर थोड़ा सा ये राउंड शेप में लेके आई दबा के आराम आराम से। ये यहाँ पर डॉट खत्म, मैंने पेंसिल को उठा लिया और नुक्ते पर राइटिंग की। ये क्या बन गया? जीम। जीम के अंदर एक नुक्ता, फिर से ये देखें, ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा किया सीधा, फिर थोड़ा सा इस तरह मैं राउंड शेप में लेके आई, दबा के रखा, ये पेंसिल को चलाना शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म। जीम पे नुक्ते में राइटिंग की, ये क्या बन गया? जीम। साथ साथ राइट, साथ साथ रीड, कि आप कौन से हर्फ पर राइटिंग कर रहे हो। ये फिर से देखिए, फर्स्ट डॉट पे रखा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके गए, थोड़ा सा सीधा, फिर थोड़ा सा इस तरह से तिरछा लेके आए और ये राउंड शेप में लेके गए, ठीक है। ये क्या बन गया? और नुक्ते पर राइटिंग की, ये क्या बन गया? जी। ये थोड़ा सा इस तरह लेके गए, थोड़ा सा सीधा, थोड़ा सा तिरछा और फिर ये मैं राउंड शेप में लेके आई, ये क्या बन गया? जी। और नुक्ते पर भी राइटिंग की, ये क्या बन गया? जी। नुक्ते पर आपने ज़रूर राइटिंग करनी है, ठीक है जूनियर्स? अब आपने पता है क्या करना है, आपको ये राइटिंग समझ में आ गई है ना डार्ट्स के ऊपर आपने किस तरीके से राइटिंग करनी है? इस फर्स्ट डार्ट से लेकर यहाँ तक टू लाइंस आपने मम्मा के पास बैठकर जिस तरीके से मैंने आपको राइटिंग समझाई है, इस तरीके से आप ये राइट करें, अपना वर्क अच्छे तरीके से डन करें नीट तरीके से, और फिर मुझे इसकी पिक्चर बना के सेंड करें। मैं देखूंगी कि किस बच्चे ने बहुत अच्छी तरीके से वर्क डन किया है। जो अच्छा वर्क डन करता है उसको तो आपको पता है ना, उसको क्या मिलता है? उसको स्टार मिलता है, फ्लावर मिलता है, इस तरह से गुड मिलता है। आपको चाहिए ना, तो आप अच्छा सा अपना वर्क डन करो, मुझे इसकी पिक्चर बना के सेंड करो। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।